अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस एनसीएलटी और एनसीएलएटी के बीच में। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट, ये अपीलेट बॉडी है, अपील करने की बॉडी है। सेक्शन 408 के अंदर आपको मिल जाएगा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल मिलेगा सेक्शन 410 के अंदर कंपनीज एक्ट में। अब एनसीएलटी एक ओरिजिनल एडजुडिकेटिंग बॉडी है, यानी एक ओरिजिनल बॉडी है। यहाँ पर फ्रेश केस फाइल किया जाता है दो कंपनीज द्वारा जिनके अंदर आपस में विवाद होता है। अब एनसीएलटी के ऑर्डर से कोई असंतुष्ट है तो वह जाता है अपील फाइल करता है एनसीएलएटी के अंदर। अब एनसीएलटी केसेस हैंडल करता है जो कि कंपनी लॉस रिलेटेड है, इनसॉल्वेंसी से रिलेटेड है, या दो कंपनी आपस में मर्ज होना चाहती हैं उनसे रिलेटेड एनसीएलटी केस देखता है। और एनसीएलएटी अपील सुनता है। अगर मान लो एनसीएलटी ने कोई भी ऑर्डर दिया है और कोई भी पार्टी अनसेटिस्फाइड है तो वह तुरंत आके अपील फाइल कर सकती है एनसीएलटी के पास। कैन इशू ऑर्डर्स, जो एनसीएलटी है ऑर्डर इशू कर सकती है, कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, और इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस भी कर सकती है। अब जो एनसीएलटी है केवल ये कर सकती है ऑर्डर टू मॉडिफाई और रिवर्स एनसीएलटी डिसीजन, क्योंकि एक तरह की अपीलेट बॉडी है, तो या फिर एनसीएलटी के ऑर्डर को पलट सकती है या फिर उसको मॉडिफाई कर सकती है, चेंजेस कर सकती है। अब एनसीएलटी के अंदर कोई भी विवाद होता है, कोई भी ऑर्डर आता है, कंपनी को समझ में नहीं आता है, वो अपील फाइल कर देती है एनसीएलएटी के अंदर। और एनसीएलएटी के अंदर कोई भी ऑर्डर आता है, कंपनी को समझ में नहीं आता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके अपील फाइल कर देती है। अब अगर मेंबर्स को देखेंगे तो एनसीएलटी के अंदर प्रेसिडेंट होता है, और वहीं एनसीएलएटी के अंदर चेयरपर्सन होता है, बाकी दोनों मेंबर सेम होते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रेसिडेंट जहाँ लिखा है तो एनसीएलटी है और एनसीएलएटी है तो चेयरपर्सन है। अब प्रेसिडेंट मस्ट बी फॉर्मर हाई कोर्ट जज, एनसीएलटी के अंदर जो प्रेसिडेंट होते हैं वह भूतपूर्व हाई कोर्ट जज होने चाहिए, और वहीं एनसीएलएटी के अंदर चेयरपर्सन जो है वह एक फॉर्मर यानी एक्स सुप्रीम कोर्ट जज होने चाहिए, या किसी भी चीफ जस्टिस के हाई कोर्ट होने चाहिए, वही चेयरपर्सन बन सकते हैं। अब जुडिशियल मेंबर्स देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी एडवोकेट भी बन सकता है जुडिशियल मेंबर जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है कंपनी लॉ के अंदर। और वह जुडिशियल मेंबर देखेंगे तो केवल वही बन सकता है जो हाई कोर्ट जज के लिए क्वालिफाइड है। तो यह टोटल डिफरेंस था एनसीएलटी और एनसीएलएटी के बीच में।